The surface of a water in a tank on the tap of a house is 4 meter above. ये जो टैंक है उसके सरफेस और टैप जो है उसके बीच में जो हाइट है वो 4 मीटर है. फाइंड द प्रेशर एट द टैप व्हेन टैप इज क्लोज्ड. टैप क्लोज है तब प्रेशर निकालना है. यहाँ पे प्रेशर कौन सा है? एटमोस्फेरिक प्रेशर है. तो एटमोस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एट द टैप, वो किसी का एटमोस्फेरिक प्रेशर कि नीचे जा रहा है, रो जी एच इसके बराबर होगा. एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस रो, रो वाटर की 10^3 होती है, जी को हम 10 ले लेते हैं, एच जो है 4 मीटर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस 4 × 10^4 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर. अब इस क्वेश्चन में आंसर में क्या प्रॉब्लम है? आंसर ये होना चाहिए प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर. एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.01 × 10^5. ये होता है, पर क्वेश्चन में गिवन ये है, तो इसका मतलब आंसर जो है एस सी वर्मा में गलत दिया हुआ है. एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच ये होगा, रो जी एच जब ये टैप क्लोज्ड है तो. हाइड्रोस्टैटिक्स के फार्मूले लगेंगे रो जी एच प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर. ऐसी प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 7 में भी है. या तो ये लिखे कि नेगलेक्ट एटमोस्फेरिक प्रेशर इसमें भी और क्वेश्चन नंबर 7 में भी, क्योंकि आप नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, ये बताना चाहिए था. अब आते हैं इसके बी पार्ट्स पे. इज इट नेसेसरी टू स्पेसिफाई टैप इज क्लोज्ड? टैप ओपन कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी, तो वेलोसिटी लिक्विड के अंदर वेलोसिटी आ गई है, तो इसका मतलब क्या होगा? हाइड्रोडायनामिक्स का क्वेश्चन हो गया. और हाइड्रोडायनामिक्स में प्रेशर निकालना हो तो हम बर्नौली थ्योरम का यूज करते हैं, बर्नौली थ्योरम का यूज करते हैं. तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा जस्ट टैप के ऊपर, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी है, तो ये जो प्रेशर है इस प्रेशर से एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एस से कम होगा. वेलोसिटी होने की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या होगा? इससे कम होगा. और टैप के जस्ट आउटसाइड जहाँ पे ओपन कर दिया, जहाँ पे एयर के साथ कॉन्टैक्ट में है, प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा. तो इसलिए बताना जरूरी है कि टैप क्लोज है या ओपन है. टैप ओपन है तो आप इस क्वेश्चन को हाइड्रोडायनामिक से करेंगे, और टैप क्लोज है फिर आप हाइड्रोस्टैटिक से करोगे. एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, नहीं तो आप प्रेशर ऐड, काइनेटिक ऐड, पोटेंशियल ऐड, उनका सम जो है वो कांस्टेंट होता है, उस फार्मूले का यूज करके आप प्रेशर निकाल सकते हो. और जस्ट आउटसाइड की बात करें तो हमें पता है एयर के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो एयर के साथ कॉन्टैक्ट में तो प्रेशर क्या हुआ? एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा. ठीक है,